प्रैक्टिस सेट 4.1 का क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 आज हम देखेंगे। द प्रेजेंट एजेस ऑफ वत्सला एंड सारा आर 14 ईयर्स एंड 10 ईयर्स रिस्पेक्टिवली। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स विल द रेशियो ऑफ देयर एजेस बिकम 5:4। ओके, तो उनके वत्सला एंड सारा के प्रेजेंट एजेस हमें दिए है 14 ईयर्स एंड 10 ईयर्स रिस्पेक्टिवली। हमें क्वेश्चन में बोला है कि कितने साल बाद उनके एजेस का रेशियो बनेगा 5:4। ओके, तो चलिए देखते हैं, जो क्वेश्चन में बोला है उसी को यहाँ कंसीडर करते हैं। लेट आफ्टर एक्स ईयर्स द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ वत्सला एंड सारा बिकम 5:4। 5:4। ओके, तो एक्स ईयर्स के बाद उनके एजेस का रेशियो बनेगा 5:4। तो उनकी प्रेजेंट एजेस हमें पता है, सो आफ्टर एक्स ईयर्स, आफ्टर एक्स ईयर्स वत्सलास एज इक्वल्स टू क्या बनेगा? 14+x। ओके, क्योंकि वत्सला की प्रेजेंट एज है 14 ईयर्स एंड आफ्टर एक्स ईयर्स बोला है तो उसमें एक्स ईयर्स ऐड आ जाएंगे। तो जैसे अगर किसी की आज की एज अगर 20 ईयर्स है तो 3 ईयर्स बाद उसकी एज क्या हो जाएगी? 20+3 23। तो वैसे ही आफ्टर एक्स ईयर्स बोला है तो वत्सला की एज एक्स ईयर्स के बाद क्या होगी? 14+x, दैट इज उसकी प्रेजेंट एज के साथ एक्स ईयर्स ऐड हो जाएंगे। और सिमिलरली सारा की एज क्या होगी? सारा की एज हो जाएगी 10+x। ओके, देन अब उनके आफ्टर एक्स ईयर्स उनके एजेस का रेशियो क्या बनता है? 5:4। सो देयरफॉर अब रेशियो हमें किसका लेना है? वत्सला की एज का सारा की एज के साथ। तो 14+x अपॉन 10+x इक्वल्स टू बनता है 5/4। सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, 4 इधर शिफ्ट कर देते हैं और 10+x इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो 4 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 4 से 14 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 56+4x इक्वल्स टू 50+5x। ओके, तो देन या 56-50 इक्वल्स टू होगा 5x-4x, तो यहाँ पर आपको मिलेगा x=6। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ रेहाना एंड हर मदर इज 2:7। आफ्टर 2 ईयर्स द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 1:3। वॉट इज रेहानास प्रेजेंट एज? ओके, रेहाना एंड उसकी मदर का प्रेजेंट एजेस का रेशियो हमें दिया है जो 2:7 है एंड 2 साल बाद उनके एजेस का रेशियो बनता है 1:3। हमें रेहाना की प्रेजेंट एज निकालनी है, तो यहाँ पर हमें सबसे पहले प्रेजेंट एजेस का रेशियो दिया है, तो रेशियो कभी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। ओके, जैसे रेहाना एंड उसके मदर के प्रेजेंट एजेस का रेशियो दिया है 2:7, तो ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। हम क्या करेंगे, एक कॉमन मल्टीप्लायर इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उनके प्रेजेंट एजेस को कंसिडर करते हैं। लेट रेहानास प्रेजेंट एज बी 2x। रेहाना के प्रेजेंट एज कंसिडर करते हैं 2x
and her mother's present age be 7x. ओके देन अब उनके प्रेजेंट एजेस हमने कंसिडर कर लिए है 2x एंड 7x. आफ्टर 2 ईयर्स, आफ्टर 2 ईयर्स रेहानास एज, 2 साल बाद रेहाना की एज क्या हो जाएगी, 2x प्लस 2, एंड हर मदर्स एज क्या हो जाएगी, 7x प्लस 2. उनके प्रेजेंट एजेस के साथ क्या हो जाएगा, 2 ऐड हो जाएगा. सो देयरफॉर अब रेशियो क्या बनता है, 2x प्लस 2 अपॉन 7x प्लस 2 इक्वल्स टू 1 to 3 रेशियो बनता है. ओके देन 3 इधर शिफ्ट कर देते हैं, 7x प्लस 2 इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो हो जाएगा 6x प्लस 6 इक्वल्स टू 7x प्लस 2. देन इसे आगे सॉल्व करेंगे तो 6x इधर भेज देते हैं, तो ये होता है 6 माइनस 2 इक्वल्स टू 7x माइनस 6x, तो आपको x इक्वल्स टू आंसर मिलता है 4. ओके x इक्वल्स टू आंसर क्या मिलता है, 4. सो देयरफॉर आंसर में हमारा आंसर क्या मिलेगा, देयरफॉर रेहानास प्रेजेंट एज इक्वल्स टू, रेहाने का प्रेजेंट एज क्या है, 2x. सो 2 इंटू 4 करेंगे तो कितना मिलेगा, 8. तो आंसर रहेगा 8 ईयर्स. रेहाने की प्रेजेंट एज क्या रहेगी, 8 ईयर्स.